तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यही बज रहा है सुबह के 9। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, मेरी आंखें नहीं खोल पा रही सही से क्योंकि नींद भी नहीं पूरी हो पाई है गाइस। और अभी आज का जो दिन है मंगलवार है, और अभी गाइस हम लोग थोड़ा सा रेडी हो रहे हैं कहीं जाने के लिए। अभी गाइस रूपाली की सोनोग्राफी करवाना है मेरे को, तो अभी हम लोग जाएंगे रेडी होकर, थोड़ी देर से निकलेंगे। देख सकते हैं गाइस मेरे भी बाल कैसे हो रहे हैं, और अभी ये रूपाली भी रेडी हो रही है, मैं भी थोड़ा सा रेडी हो चुका हूँ अभी, बस फटाफट हम लोग रेडी। और उसके बाद जाते हैं गाइस, रूपाली की सोनोग्राफी करवा कर आते हैं एक बार। चले बिट्टू, हो गए आप रेडी? बिल्कुल। तो गाइस रूपाली रेडी हो चुकी है, तो अभी अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमने डॉक्टर के पास अभी गए थे गाइस चेकअप करवाने के लिए, तो उन्हें सोनोग्राफी के लिए बोला है। तो अभी अब जाते हैं और देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं। बिट्टू सामान ले लो सब कुछ। तो गाइस गोली दवाइयाँ भी रखी हुई हैं, गोली दवाई ले लो बिट्टू सारी। तो ये सब गाइस देख सकते हैं रूपाली को कितनी सारी गोलियाँ दी हैं, ये देख सकते हैं गाइस आप लोग, ये इतनी यही सारी बस ले गोलियाँ दी जाना हैं रूपाली को, बहुत सारी गोलियां हैं। मेरे ख्याल से, तो यही बस ले जाना है फिर उसके बाद सोनोग्राफी ये के लिए। पर्चा दिया हुआ है, इस एड्रेस पे हमको जाना है सोनोग्राफी करवाने के लिए। और कुछ नहीं, मेरे ख्याल से तो वही सही बोले? है। इतना ही है, अब मुझे बोल पता तो नहीं है, खैर चलो एक बार फोन ला के पूछ लेंगे। नहीं, तो कंपलसरी है ना, ये सेंटर है, इसको स्लिप को ही लेकर जाना पड़ेगा ना अपन को। मिलते हैं गाइस आपसे अब सीधे मैडम के ऑफिस में। गाइस यार रूपाली का नया बैग लिया हमने सामान वगैरह रखने के लिए, रूपाली की जो भी फाइल्स वगैरह जो भी रूपाली को लगेगा गोली दवाई वो सब गाइस इसमें रखना है हमको। और बार बार गाइस हम लोगों को हॉस्पिटल जाना रहता है, तो सब इसी में प्रॉपर पूरी फाइल सब कुछ इसी में रखेंगे अब रूपाली का, ताकि गाइस हम लोग को जल्दी से मिल जाए, कुछ भी घूमे ना इधर से उधर। चले बिट्टू, तो गाइस अभी चलते हैं अब फटाफट, मिलते हैं आपसे सीधे ऑफिस में, बने रहिए वीडियो में गाइस। चलते हैं गाइस, बाकी अभी निकल चुके हैं हम लोग घर से, मिलते हैं गाइस आप लोगों से वीडियो में आगे। अभी गाइस पैदल जा रहे हैं, थोड़ा हम लोगों को रोड तक पैदल जाना पड़ता है, फिर उसके बाद आगे जाके हमको ऑटो मिलता है गाइस, स्टॉप तक जाना पड़ता है पैदल, फिर वहाँ से गाइस हम लोग ऑटो में बैठेंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग पीछे वाली जो बिल्डिंग है, कहाँ है पीछे बिल्डिंग? हाँ ये रही, तो देख सकते हैं लिखा हुआ है वहाँ पर अंकिता, क्या लिखा है? मुझे तो दिख ही नहीं लिखा है रहा ना, कहाँ वो तो लिखा है। लिखा वो देखो डॉक्टर अच्छा अंकिता नीचे सोनोग्राफी है वो। नहीं दिख रहा, तो गाइस हाँ लिखा हुआ वो वहाँ लिखा पर है डॉक्टर अंकिता सोनोग्राफी, सोनोग्राफी, आप लोग देख सकते हैं वो लिखा हुआ गाइस वो। दिख गया मुझे, दिख तो अभी गया। चलते हैं गाइस हम लोग, बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं आप लोगों को, अगर कुछ परमिशन मिल पाई वहाँ से तो गाइस हम लोग आप लोगों को पूरा वीडियो भी ज़रूर दिखाएंगे। चल बिट्टू आया। तो गाइस अभी हम लोग देख सकते आ चुके हैं, तो अभी गाइस देख सकते हैं आप लोग अंदर से, ये ऑफिस है गाइस मैडम का, ये अंदर से, और बाकी अभी हम दोनों भी यहीं पर बैठे हुए हैं गाइस, देख सकते हैं आप लोग आ गए हैं फाइनल ऑफिस में। तो गाइस फाइनली बाकी सोनोग्राफी हो चुकी है, ये रही गाइस इसमें रिपोर्ट रखी हुई है सारी, बहुत टाइम के बाद, मतलब हमको हो गया कम से कम 3 से 4 घंटा गाइस हम वहीं पर बैठे रहे 3 से 4 घंटे तक, और अब जाके हम लोग बाहर निकले हैं। आधा घंटा तो इसी को लग गया था, और आधा घंटा मतलब 1.5 घंटा पहले से तो हम वहाँ पर बैठे हुए थे गाइस, 1.5 घंटा पहले से हम वहाँ पर बैठे हुए थे, फिर उसके बाद आधा घंटा इसको सोनोग्राफी में लगा, और फिर उसके बाद गाइस 2 घंटे हम लोग फिर बैठे रहे। 2 घंटे के बाद उनने हमको रिपोर्ट रिपोर्ट सब ला कर दी, मतलब हम गए थे वहाँ से कितने बजे, 9:30 9:10 बजे आए थे, तो हमको बज गया अभी 1 बजने वाला गाइस, 1 बज ही गया है। क्यों बेटा अपन कितने बजे निकले थे? 9 बजे निकले थे, और अभी गाइस 1 बजने वाला है। तो अभी अब जाते हैं गाइस घर, क्योंकि पैर बहुत दुखने लगे बैठे बैठे एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में, बहुत दिमाग ख़राब हो गया। तो अभी चलते हैं गाइस घर अब फटाफट, किसको भी भूख लगी बहुत तेज। कर माइंड फ्रेश कर लेता, अभी 1:30 बज रहा है गाइस, 1:30 2 बज रहा अभी।
दो बज चुके हैं ऑलरेडी, अब दो बज गए, अब तो अभी जूस वगैरह पीकर अभी हम लोग जाएंगे गाइस घर। घर जाने के बाद देखूंगा मैं थोड़ा सा रेडी वगैरह होकर, फिर मेरे को स्टोर भी निकलना है जल्दी से, अभी घर पे भी बहुत काम पड़ा हुआ है, अभी लोगों को सामान वगैरह भी लेकर आना है, जो भी दवाइयाँ लेकर आना है, तो अभी जाता हूँ जो भी दवाई लेकर जाते हैं घर। अभी मैंने इसके लिए मौसम्बी जूस ऑर्डर कर दिया है, और उसी के लिए मैंने पाइन एप्पल शेक भी ऑर्डर किया है, दोनों उसी के लिए किए, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये मेरे को कुछ भी नहीं पीने देती गाइस, सबको इसी को पीना है, सब इसी को पीना है गाइस। तो अभी गाइस हम लोग ऑटो में आ चुके हैं, हम आप मतलब जूस पी लिया, जूस पी के गाइस हम लोग जा रहे हैं घर, ऑटो में बैठे हुए बात। तो गाइस अभी हम लोग मार्केट में हैं, गाइस मार्केट आ गए हैं ललित नगर के, तो अभी जा रहे हैं हम लोग अब एक के टेलर की दुकान पर, रूपाली ने सूट और ब्लाउज डाले हैं गाइस, तो वो उनका साइज देने के लिए अभी जाते हैं हम लोग, वो देख सकते हैं गाइस वो रहा सामने स्टोर। बाकी हम लोग घर पे आ चुके हैं, हमने जैसा कि गाइस अभी क्या वो मार्केट गए थे तो सूट लेने के लिए, तो अभी और थोड़ा बहुत थक भी गए, हमने थोड़ा सा आराम भी कर लिया गाइस, तो अब उसके बाद फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं, और गाइस अभी हम आप लोगों को रिपोर्ट बताते हैं के रिपोर्ट में पकड़। हेलो गाइस, हम लोग सोनोग्राफी करवा के आ चुके हैं रूपाली की घर पे एकदम फाइनली, सुबह के निकले थे गाइस हम लोग 9:30-10 बजे के निकले थे, और अब जाके अभी हम लोग 4-5 बजे घर वापस आए हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है गाइस, बहुत भीड़ भी थी और मैडम भी थोड़ा लेट आई थी और काफी पैदल आए थे ना, और उसके बाद हम लोग पैदल कहाँ बेटा ऑटो से आए हैं, हाँ तो थोड़ा घूम फिर के आए, खा पी कर आए, इसलिए ऑटो से आए हम लोग ललित नगर तक, फिर वहाँ पर भी हमने थोड़ा बहुत मार्केट चले गए, इसने सूट डाले हुए थे सिलने के लिए, तो फिर वहाँ पर भी गए थे हम लोग, तो अब आ गए फाइनली हम लोग घर गाइस, अभी आप लोगों को रिपोर्ट बताते हैं, ये बैग है गाइस और इसमें सारी रिपोर्ट्स हैं कि मतलब सोनोग्राफी करवाने के बाद क्या क्या पता चला है, तो अभी गाइस आप लोगों को भी बताते हैं, तो देखिए गाइस बाकी लो निकालो बिट्टू। तो देखिए गाइस जैसा कि ये रिपोर्ट बनाई है और ये देख सकते हैं गाइस ये रिपोर्ट है डॉक्टर अंकिता, तो देख सकते हैं गाइस देखिए मतलब इतनी सारी दवाई गोलियां लिख कर दी हैं गाइस, इतनी सारी बहुत सारी दवाई गोलियां लेकर आ गाइस, और देखिए फाइनल गाइस ये हम आप लोगों को रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए देख सकते हैं गाइस ये छोटू सा, ये गाइस हमारा छोटू सा बेबी, ये देखिए गाइस, आई होप कि गाइस आप लोग बहुत खुश होंगे हमारे छोटू से बेबी को देखकर, छोटू से बेबी का छोटू बेबी, ये देखो गाइस एक ये छोटू बेबी और उसके बाद एक ये यहाँ पर है छोटू बेबी, ये रहा गाइस देख सकते हैं आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, तो आपने देख ली होगी हमारी रिपोर्ट, हम किस लिए जा रहे थे, ये सोनोग्राफी करवाई हमने फर्स्ट बार, तो अभी ये कौन सी सोनोग्राफी करवाई अपन ने, थर्ड मंथ की हो चुकी है, तो अभी ये थर्ड मंथ की हो चुकी है गाइस, इसके बाद अभी 6th या 7th मंथ की फिर से हमको करवाना है, तो उसमें तो अभी खैर टाइम है, अभी काफी टाइम है गाइस, ये अभी हमने करवाई है थर्ड मंथ की, थर्ड मंथ की है गाइस ये, तो अभी आप 7th या 6th मंथ में करवाएंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, बच्चा भी बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एकदम ठीक है बिल्कुल, और अभी फिर से अभी कुछ दिनों के बाद फिर से अभी चेकअप के लिए हम लोगों को जाना है वापस, क्योंकि अभी तो सोनोग्राफी करवाई है, तो मैडम को भी दिखाना पड़ेगा रिपोर्ट, फिर मैडम को दिखाकर पता चलेगा गाइस कि हाँ सब कुछ एकदम नॉर्मल है, बाकी डॉक्टर ने बताया तो है कि अभी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा भी एकदम ठीक है, तो अभी बाकी और चेक करके फिर से मैडम बताएंगी। तो गाइस पानी गिर रहा है, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना, और हमने आपके साथ ये न्यूज़ शेयर की है और आपको दिखाई है, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें फुल, हम आपसे सारी बात शेयर करेंगे लास्ट तक, जब तक जिएंगे तब तक। और गाइस कैसा लगा छोटू बेबी का, छोटू सा एक और बेबी गाइस कमेंट करके जरूर बताना, छोटू बेबी में, हाँ आप छोटू बेबी हो, और अभी आने वाला है हम दोनों का एक और छोटू बेबी, तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। ओके गाइस बाय, आज तक के लिए इतना ही काफी, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।